Bagheera! I want him dead or alive at any cost. फाइनल दोस्तों, सॉ सुपरस्टार श्री मुरली की मच अवेटेड फिल्म बगीरा को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अब आप इस फिल्म को आसानी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और अब इसे अपने फोन में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में इसी फिल्म के ओटीटी रिलीज से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये फिल्म हम लोगों को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी इस बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप आगे भी ऐसे ही साउथ की मूवीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बगीरा 2024 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की स्टोरी को प्रशांत नील ने लिखा है, जिन्होंने KGF और सालार जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। वहीं बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में श्री मुरली के साथ रुक्मणी बसंत और प्रकाश राज लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा, जहां पे श्री मुरली सुपर हीरो के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में श्री मुरली बगीरा बनकर दुश्मनों से लड़ते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उन्हें मास्क पहनकर अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। इस फिल्म के स्टोरी में ज्यादा कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा और यही वजह है कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यू मिला था। इसी के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित हुई थी। वहीं इस फिल्म को IMDb पे 10 में से 7.9 की रेटिंग मिली है। इन्हीं सभी वजहों से हम इंडिया फैंस इस फिल्म के ओटीटी रिलीज का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीज की तो इस फिल्म के ओटीटी राइट्स को नेटफ्लिक्स ने खरीदा है और यही वजह है कि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया गया है। इसका मतलब है अब आप इस फिल्म को आसानी से नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। बट छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे अभी सिर्फ सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। बाकी हिंदी में यह फिल्म OTT पे कब रिलीज होगी इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह फिल्म हम लोग को हिंदी में भी जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर इस फिल्म के हिंदी रिलीज से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।